हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी हूँ जयपुर में और हम लोग अभी पिंक सिटी में इंटर कर चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अंबर फोर्ट। तो ब्लॉग बने रहिएगा। तो ये गाइस देखिए, हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत है अंबर फोर्ट, इसको बोलते हैं। और देखिए, सीढ़ी चल के जाने के लिए है, पूरा ऊपर तक चल के जाना ही पड़ता है। यहाँ से आपको महल जाने के लिए जीप, हाथी या फिर अपनी कार या फिर पैदल, चार ऑप्शन होते हैं आपके लिए। कार से भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, हम कहेंगे नहीं जाती। रास्ता क्या है, स्मूथ नहीं है। अच्छा, पत्थर वाला रास्ता बना हुआ है। जीप जस्ट मिनट जीप होती है रफ एंड टफ। तो जीप आज आराम से जो है क्लाइम करेंगे जीप से आप लोग। और गाइड पूरा ब्रीफिंग करने के लिए होते हैं हम लोग, पूरा ऑफिशियल गाइड टूरिज्म की तरफ से पूरा विजिट करते हैं। और चार्ज क्या है? हमारा चार्ज होता है 300 रुपीज, चार पार्ट में बना हुआ है। और जीप का होता है 450 अप डाउन, एक से लेकर 6 मेंबर, 5 मेंबर। गाड़ी गाइस मैं बुक कर लिया है। चार्ज क्या है बता दीजिएगा, कितना चार्ज? चार्ज 450 है सर, आना जाना। अच्छा, कितना घंटा? 1 घंटा 1.5 घंटे जब तक घूमोगे आप वहीं देगा सर। वैसे डिपेंड ऑन यू, हाँ, बिकॉज आप टाइम लेके चलते हैं। अच्छा, तो आपका ही हमको जो है देखना होता है। आपके पास फुली टाइम है तो मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको 1.5 आवर। हम लोग थर्ड गाड़ी में गए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, 700 से ज़्यादा है। वाह, ये क्या है? पन्ना मीना पुल। अच्छा, ये देखे तो भूल भुलैया लग रहा है। विश्व प्रसिद्ध आमेर नगरी में आपका स्वागत है। और मेरा नाम होता है इलियास खान और मैं लगभग 30 साल से इस गाइडिंग क्षेत्र में हूँ। तो देखें आप, अरावली रेंज जो पहाड़ों पे एक दीवार बनी हुई है और दीवार चारों तरफ से ही बनाई गई थी सुरक्षा को लेके, सुरक्षा चक्र। अगर वर्ल्ड के मैप पे देखते हैं तो दुनिया की 3रे नंबर की वॉल आपके सामने, 3रे नंबर पे। तो पब्लिक को ये बड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, पन्ना मीना कुंज। ओके, तो ये 400 साल लगभग पुरानी ये बावड़ी है। और इसको बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ पानी को स्टोर करने के लिए। अच्छा, हाँ, इसका जो मेन पर्पस था वो शावर के लिए। लोकल लोग हैं हम लोग ने भी काफ़ी जंप लगा के यहाँ पे जो है। अच्छा, अभी भी डीप से करीब ये 15-20 फीट। तो अलाउ नहीं नीचे जाना से? नहीं, वी कैन नॉट अलाउड, बिकॉज परमिशन लेके आना होता है हमें यहाँ पे जब हम अलाउड होते हैं। हाँ, इस स्टेप के साथ इसलिए बनाया गया है कि ईजिली आप नीचे जा सके और क्लाइम कर सकें। अच्छा, काफ़ी। यस, तो कहते हैं कि जो ये बावड़ी जो कुएं यानी सीढ़ियों के साथ जैसे एक कुआं बना हुआ है, वेल पास में मंदिर है बांके बिहारी जी का। और ये देखा जाए तो ऐतिहासिक नगरी, मंदिरों के लिए भी फेमस है। लगभग 365 मंदिर देखते हैं आप लोग यहाँ पे। और रोज़ एक मंदिर को जाएंगे तो एक साल में जो है वो पूरा जो है परिक्रमा पूरी होती है। कहते हैं कि मानसिंह राजा बड़े फेमस हुए और महाराजा का खिताब उनको मिला। मुगलों के संपर्क में थे ये और ये अकबर के सेनापति भी थे और नौ रत्नों में एक भी थे, पता है आपको। तो हम मानसिंह के द्वारा जो बनाया हुआ महल है वो देखने जाएंगे। और इतना सुरक्षित महल बनाया उन्होंने कि चारों तरफ से अरावली रेंज और बीचों बीच महल को बनाया गया। अच्छा, तो कहते हैं कि यहाँ पे आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने की कोशिश की लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, चाहे वो मराठाज हो, चाहे जाट हो, चाहे वो पास वाले पड़ोसी वाले राजा हो। तो यहाँ पर घूम लिया, अभी और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। ब्लॉग बना दिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो शॉप हो गया, सीढ़ी कितना का हुआ था आपका? नीचे पड़ते अलाउ नहीं है जाने के लिए, ऊपर भी सर लेना पड़ता। पतला वाली देखिए, नैरो वाली तो पतला है। पैदल तो जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अब तो गाड़ी लेना ही पड़ेगा। सीढ़ी देख लीजिए कितना गजब है, पत्थर से डाल के बनाया गया है।
बाहुबली का मूवी का सीन याद आ गया। हाँ बाहुबली का याद आ गया। चांदपोल डोर से मून गेट, आपने जयपुर में नाम सुना होगा, सूरजपोल चांदपोल, ईस्ट की ओर सूरजपोल, वेस्ट की ओर चांदपोल। एंट्री कितना बड़ा है, गेट देखिए कितना बड़ा है, ओह माय गॉड कितना बड़ा गेट है, ते भी है। फोकस डालें। अभी आप महल में प्रवेश कर चुके हैं और इस ऐतिहासिक महल का पहला पार्ट शुरू होता है जिसको जलेब चौक कहा जाता है। जलेब चौक, ये राजाओं के टाइम पे परेड के लिए मशहूर थी ये जगह। ओके और देखते हैं कि दो विशाल दरवाजे आपको दिखाई देंगे ईस्ट और वेस्ट की तरफ, जिनको मुख्यतः सन गेट और मून गेट के नाम से जाना जाता है। ओके आपको पता है सन गेट ईस्ट रॉयल फैमिलीज वहीं से पसंद करते थे आना, और गेस्ट किस तरह से हाथियों पे जेंट्स आते थे और लेडीज हॉर्स कॉर्ट हॉर्स बग्गी पे। ओके उनके आने की खुशी में चांदपोल गेट के ऊपर देखिए ऊपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस, हाँ वहाँ पे म्यूजिशियंस बैठते थे और उनका काम होता था म्यूजिक प्लेट करने का वेलकम के लिए, वेलकम होता था उसके बाद वो अंदर प्रवेश करते थे। तो कहते हैं कि उस जमाने में किंग और क्वीन और गेस्ट्स का जो है गेस्ट का वेलकम होता था, बट अभी आज के युवराज कौन होते हैं, युवराज प्रिंस नॉट प्राइम मिनिस्टर, आप हमारे युवराज होते हैं। ओके राइट प्रिंस, यस प्रिंस, आप भी प्रिंस होते हैं, तो आपके आने की खुशी में भी वेलकम किया जाता है यहाँ पे। अच्छा वो कैसे, इनको सूचित कर दिया जाता है कि निर्माण नगर से या आउट ऑफ प्लेस से दो बहुत ही खूबसूरत प्रिंस पधार रहे हैं। अच्छा उसके अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, और क्या चार्ज है? इंडियंस के लिए 100 रुपये होता है। अच्छा स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपये होता है, फॉरनर्स के लिए, फॉरनर्स के लिए मोस्टली 500 रुपये होता है, और स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपये। आप अच्छी तरह देखें एंट्री फी। अच्छा 500 पड़े। अच्छा एक बजे की बात नोट करें, राजा के समय घोड़ों के लिए तबेले होते थे अस्तबल, लेकिन अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको कन्वर्ट किया हुआ है फ्री वाईफाई जोन में। अच्छा फ्री वाईफाई जोन। किसी भी गाइस जाने के लिए आपको चार्ज लग रहा है, फॉरेन में बाहर से आएंगे तो 500 रुपये लगने वाला है। करने जा रहे हैं अंदर की ओर। जा रहे हैं ऊपर, हेलो हेलो बंदर भी है यहाँ पर, मोबाइल लेकर ना भाग गया। स्टेयर देखिए कैसा बना हुआ पत्थर का, गाइड वाले अंकल तो पूरा गाइड ही कर दे रहे, डिजाइन तो बहुत खूबसूरत है। वाह सिंह द्वार से प्रवेश करेंगे। अच्छा सिंह पोल, ये सिंह पोल कहलाता है, यहाँ देखिए चेक करवा। वाह ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर देखिए, कितना पुराना है। हाँ महल के सेकंड पार्ट में हम आ पहुंचे हैं और इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत बिल्डिंग के बीचों बीच राजा बैठते थे, नाम भी क्या खूबसूरत रहता है दीवाने आम, पिलर्स के सपोर्ट से खड़ी हुई बिल्डिंग, बीचों बीच राजा बैठते थे, मंत्री शंत्री होते थे और पब्लिक को ग्राउंड फ्लोर पर बिठाया जाता था, क्यों जो भी उनकी समस्याएं होती थी उनको लेकर। त्योहारों पे खुशियों को शेयर किया जाता था, शेयरिंग करते थे राजा नाच गानों के साथ, इनामात देने के साथ, लेकिन पसंद नहीं करते थे कि रॉयल लेडीज इस महफिल में आए अपने फेस को दिखाए, इसलिए उनके लिए सेपरेट जगह नियुक्त की जाती थी जैसा कि सामने देख रहे हैं। ओह अच्छा जो खिड़की जरों के देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पार्ट, हाँ
वहाँ से बिहाइंड से रॉयल लेडीज अपने फेस को, खूबसूरत फेस को कवर्ड करके देखा करती थी। हाँ, वो इजीली देख पाती थी, सुनने का शौक नहीं होता था और पब्लिक आने वाली उनको नहीं देख पाती, राइट। उस कलरफुल डोर को नाम दिया गया गणेश पॉल, गणेश पॉल, गणेश जी बैठे हुए। और ये खूबसूरत दरवाज़ा याद दिलाएगा आपको ताजमहल के डोर की सिमिलर इसी की कॉपी वहाँ पे की गई, राइट। तो कहते हैं कि आप ताजमहल बाद बनाए, बाद ये पहले बना। हाँ, अभी देखिए सूचित हो चुके हैं आप, हाँ। इंफॉर्मेशन अच्छा कि आप लोग यहाँ पे आ पहुँचे, अच्छा, तो आपके लिए ये म्यूजिक बजाया जा रहा है, हो राइट। थैंक यू तो बोल दो यार। थैंक यू हमी लोग के लिए बजाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उनको पता है कि वो युवराज आ चुके हैं अच्छा अपने महाराजा के साथ। The only difference between that kind of Yuvraj and us is that we are carrying bottles for ourselves. Okay. तो आपको पता है पहले के टाइम पे एशियन पेंट या ड्यूरेलेक्स ये पेंट नहीं हुआ करते, नहीं हुआ करते, इसलिए नेचुरल कलर्स को कलेक्ट करके स्टोन्स के ही कलर से बनाते थे, मेल्ट करते थे, जैसे कि वनस्पतियों से, सब्जियों से, फूलों से, तो उसी की मिसाल दी जाती है स्टोन। डिजाइन तो बहुत खूबसूरत है वो। ये आयरन रिंग देखो पर्दे के लिए, कौन सा? अच्छा, हाँ, यहाँ पर्दे लगाया जाता है, देखिए अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार की, हाँ हाँ, भूल भूलैया। ओके, और यू फीलिंग कूल हियर, और वहाँ जाने के बाद कहेंगे वाओ। ओके, विकेश वहाँ पे केसर बाग बनाया और लेक बनाया, और वाओ, सच वाओ निकल गया। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लग रहा है वो, व्यू कितना खूबसूरत है, कि व्यू कितना अच्छा है, जो हाथी से भी घुमाया जा रहा है, व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। देखिए सीन कितना अच्छा लग रहा है, फोटो सेल्फी ले, कोई आएगा तो वह फोटो लेते ही रह जाएगा, और याद हो फोटो क्लिक करेगा तभी मन नहीं बनने वाला, बहुत ही अच्छा सीन है ये। देखिए इसके ऊपर आप लोग जा सकते हैं, लाव है, वाह डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत है। ये क्या भैया, ये लगता है जलाने के लिए, लाइट के लिए यहाँ पर होगा। हाँ, ये देखिए इधर से व्यू कितना अच्छा, कहीं भी आप लोग जाके खड़े हो जाए व्यू बहुत आपको अच्छा मिलने वाला है। हम लोग अभी वहाँ से एंट्री किए थे और फिर इधर से चढ़ के आ रहे हैं, तो गाइड वाले अंकल तो पूरा गाइड कर दे रहे हैं। बड़े बड़े पिलर्स लगे और उनको सेट करना एक बहुत बड़ी बात है, और उस पे भी देखिए इतना स्मूथनेस देना, पहले तो मशीन भी नहीं होता। इसे देख सकते हैं आप लोग, एक कार्बिंग और इनले, इन फ्रंट ऑन द वॉल आई विल शो यू, प्लीज नजदीक आ जाए। अच्छा, एक मिनट। ओके, इसी आर्ट को हम दिखाएंगे आपको ऊपर की ओर, सीलिंग पे देखें प्लीज, ऐसा नहीं लगता जैसे दिन में तारे निकले और रातों में तो कैसा होगा, टॉर्च का रोशनी से देखिए इधर उधर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाइट है और इतना रिफ्लेक्ट है चारों, और बहुत सारे जो कैंडल्स जलाएंगे तो कैसा होगा। awesome. तो एक रानी का नाम था चंद्रावती और एक का नाम था मृगनेनी, तो चंद्रावती पे ज्यादा प्यार था और उनको तारे दिखाए जाते। ओके, दीज आर बेडरूम्स, ये क्लोज्ड है क्योंकि हमारी जो इंडियंस की जो एक सिस्टम बनता है कि हम किसी चीज को ओपन कर देते हैं तो डीपली जाते हैं हम लोग, अरे यार ये ग्लास कैसे लगा, इसको चेक कर लेते हैं, हमारा अमर प्रेम कहानी कर लेते हैं इसने एक नाम, हाँ। वो सिस्टम जो बना दिया जाता था इसलिए इसको क्लोज कर दिया गया। आपको पता है जब रानी महारानियां जो ड्रेस पहनती थी लहंगा चुन्नी, तो वो हैवी होते थे और उसका वजन लगभग हीरे जवाहरात और सोने चांदी से इंक्लूड,
10 किलो के आसपास होता था, चलने में प्रॉब्लम आती थी, ऐसे इस टाइप की रिक्शा ट्रॉली पे बिठाया जाता था। फोर व्हील लगा हुआ इसमें, तीन दो आगे को दो पीछे को। रानी साहिबा बैठती थी, दो दासियाँ आगे से होल्ड करती थी, दो दासियाँ पीछे से पुश करती थी। रानी रैंप्स में उनको चलाया जाता था। लकड़ी के पहियों पे निवार डाल दी जाती थी, निवार चारपाई बनाते थे कोटिंग की। ये आपको बताया था मैंने, वाटर फ्लोइंग सिस्टम, नेचुरल एयर कंडीशनिंग। ऊपर में टैंक, और टैंक में पानी भरने के बाद वेल जैस्मिन और रोज परफ्यूम मिक्स करके वहाँ से ऑन किया जाता था स्लाइडिंग से, और जालियों से हवा आती रहेगी तो कैसा होगा, कूल रनिंग डाउन। पहले ग्लास नहीं लगा होता था, और बारिश के दिनों में रानी साहिबा झूला लेती थी, उनकी चॉइस होती थी झूले की। झूले में क्या होता था, फिट डाउन, रानी के पैर पानी में और सिवा आई बोल एलिफेंट डस्ट। आपको लकड़ी के किवाड़ों पे, दरवाजों पे हाथी दांत का डिज़ाइन बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि हम एक ट्रेन के डब्बे में आ गए। पटना एक्सप्रेस नया नाम कुछ एग्जिस्ट कर नहीं रहा था अभी तक ऐसा। और इस ट्रेन के डब्बे की, इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये अपनी जगह रहती है और हमें चलना पड़ता है। कई किंवदंतियां आपके सामने आती है और इतिहासकार अपने अपने तरीके से बताता है, रिकॉर्ड करा है ना आपने। हाँ। कहते हैं कि महाराजा मानसिंह के 12 रानियां थी, और उन 12 रानियों के लिए ये कोर्टयार्ड, ये महल बनाया गया। तो उन्होंने अपनी अपनी हर रानी के लिए एक सेपरेट सीक्रेट प्लेस बनाया, जिसको चैम्बर कहते हैं। तो वन चैम्बर ऑफ द वन लेडी इन फ्रंट with shower tub. Behind this wall, we'll show you. Second one. और second behind wall, third one. अच्छा। एक साइड में तीन, चारों ओर 12. तो चारों ओर जब 12 बनाए गए, स्पेशली ये पानी के, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंक होते हैं। 12 रानियों के लिए 12 चैम्बर बनाए गए, लेकिन मजबूरी फिर भी ये थी राजा की कि आपस में जब रानियों के फाइट होती थी तो राजा लोड नहीं लेते थे अपने ऊपर, तो वो अपने कार्यक्रम के अनुसार मेन रानी को लोड देते थे, पटरानी। पटरानी साहिबा को कहा जाता था कि देवी जी आप संभालो इनको। तो देवी जी यहाँ बुलाती थी, जो सेपरेट होता था रानियों के लिए जगह, लेडीज अपार्टमेंट। अच्छा। इस जगह को कोर्टयार्ड ऑफ द वुमेन्स लेडीज अपार्टमेंट कहा जाता है, और यहाँ बीचों बीच एक बिल्डिंग बना हुआ है कॉन्फ्रेंस के लिए, 12 दरी। अच्छा। तो बीच में चार पिलर लगे हुए हैं, वहाँ पे महारानी पटरानी बैठती थी और सभी रानियों को इर्द गिर्द बिठा के उनकी समस्याओं को सुनती थी, शॉर्ट आउट करती थी। बट राजा फिर भी अलर्ट होते थे इन रानियों के लिए, इनकी निगरानी मर्दों से नहीं करवाते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में। तो इनके लिए स्पेशली तीसरी दुनिया के लोग उपलब्ध होते थे। तीसरी दुनिया के जानते हो लोग कौन होते थे? ट्रांसजेंडर्स। अच्छा। खोजसरा हिजड़े। तो ये ऊपर में जो वॉच टावर्स बने हुए हैं, वॉचिंग टावर, ये वहां से वो निगरानी करते थे। अच्छा। एक स्कूल टूर था मेरे साथ में, तो एक बच्चा बड़ा शरारती था। हाँ। तो उसको मैंने कहा बेटा आप शरारत कर रहे हो, ठीक है एक पत्थर लेके आओ। हाँ। तो बोला वो क्यों अंकल? मैंने कहा यार चाहिए मुझे, तो पत्थर ढूंढ के लाया, मैंने कहा उसको मारो। ओ भाई मक्खी का छत्ता, उसको मारो। लगता है बोला अंकल मुझे मरवाओगे आप। हम लास्ट पड़ाव की ओर है, और ये जोधपुर के लिए लाई गई थी, शाही भोज खाना बनाने के लिए।
और जरा बिहाइंड में देखेंगे तो एक क्लोज डोर लगा हुआ है, ये सुरंग बनी हुई है महल में, और इस सुरंग का रास्ता किले तक के लिए कनेक्टेड है। क्यों बनाया गया था? इमरजेंसी के लिए। बाय द वे एनिमीज एंट्री कर दे तो उसको लेके सेफली वो जा सके। ऐसे सुरंग तो यही एक लो, यही एक लो तो कितना बड़ा कढ़ाई है, ये बिलोंग करता है किले को अंडरग्राउंड। कितना बड़ा कढ़ाई है गाइस, क्या है पानी का मटका, पानी का मटका इतना बड़ा। हाँ ये संदूक जो आपको दिखाई दे रही है, ये हथियार रखने के लिए, हथियार जो राजा जन के लिए जाते थे। अच्छा, तलवार रखने वाला ही है। यहाँ पर जेल भी है, क्या निशान जेल है, आज के जेल से भी ज़्यादा सुहावना, एडवांस जेल इसको बोल सकते। ये देख लीजिए सभी इधर जेल है। मैंने पूरा आपको दिखा दिया, गाइड गाइड अंकल भी थे, पूरा गाइडिंग कर रहे थे हम लोग को, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल था नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग को अच्छा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।